and wild, we were up all night. You don't forget that summer sun, 2009. We were feeling high, and I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth in your eyes and tried to make a move. अभी हम लोग आ गए सापुतारा में हमारे एनिवर्सरी रूम में। तो ये डेकोरेशन मैडम को बहुत पसंद आया, वो इम्पोर्टेंट है। अभी हम सापुतारा आए हैं, बच्चों को नहीं लाए तो रास्ते में 2 घंटा ट्रैफिक में फंस गए थे, इसलिए लेट हो गए आने में। 4:30 बज गया, हम लोगों ने लंच नहीं किया। अभी थोड़ा बाहर जाने जा रहे हैं लेक घूमने के लिए और लंच करने के लिए, तब अभी तो लंच नहीं, थोड़ा स्नैक्स करेंगे फिर आके इधर टाइम गुजारेंगे। चलिए बाय। सो हम होटल में पहुँचे ऑलमोस्ट 3:30 बजे और उसके बाद हम निकल पड़े वहाँ आसपास में जो है वो देखने के लिए। तो यहाँ पर अभी बारिश हो रहा है, बारिश में ही हम निकले। और अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल है, सामने ही था होटल के, तो हम पहले ये देखने चले आए। तो वाटरफॉल में बहुत ही सब लोकल लोगों ने यहाँ पर बताया कि वाटरफॉल में अभी ज़्यादा पानी नहीं रहता, रेनी सीज़न में ज़्यादा वाटरफॉल अच्छा लगता है देखने के लिए। और अभी हम यहाँ पे जो लोकल छोटा सा दुकान है वो मैं देख रही थी थोड़ा। सो यहाँ पे बहुत छोटा दुकान है मगर बहुत अच्छा क्राफ्ट का बहुत अच्छा अच्छा चीज़ था, जो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर इसके बाद हम गए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत। मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगी मगर बहुत ही अच्छा है यहाँ का व्यू। और हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं अभी बोटिंग। तो अभी ऑलमोस्ट शाम होने को आई है और हम अभी भी पैडलिंग कर रहे हैं, या बोटिंग कर रहे हैं। मैंने थोड़ा पैडलिंग किया था, मेरा सांस फूल गया, मैंने बंद कर दिया। अभी अनीश ही कर रहा है और इस नाव का माझी यही है अभी। तो सामने का जो व्यू है वो तो बहुत ही अच्छा है और ठंड भी बहुत है यहाँ पर, पानी के ऊपर बहुत एक अलग सा फीलिंग है। परफेक्ट एनिवर्सरी प्लानिंग जिसे कहता है, जिसे कहते हैं एक्चुअली, मैंने सांस फूल गया, वो अनीश ने किया है। मैंने मेरे तरफ से किया था, अनीश ने अनीश की तरफ से किया है, मगर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है ये प्लानिंग। सो अभी भी हम पैदल जा रहे हैं, अभी भी बोटिंग कर रहे हैं, मगर अभी शायद जाना पड़ेगा क्योंकि अभी अंधेरा हो जाएगा। सो
चलिए। उतारने के बाद क्या करते हैं वो देखते हैं, अभी तो चल रहा है यही। चार से छो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, क्योंकि ऑलमोस्ट 9:30 बज गए हैं और शायद 10 और 10:30 तक यहाँ पर रात को खाना मिलता है, आई मीन फूड रहेगा यहाँ पर जो लिखा है वहाँ, वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर हम जाए तो। तो हमने अभी तक बहुत गपशप की और बहुत एंजॉय किया, तो मैंने घूम के आके ड्रेस भी चेंज कर लिया था, ये एनिवर्सरी स्पेशल जो ड्रेस है वो मैंने पहन लिया था और थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। अभी खाना खाएंगे, आई मीन डिनर करेंगे, फिर उसके बाद भी कुछ प्लान है वो करेंगे। तो चलिए डिनर करके आते हैं और फिर बाकी सब प्लान जो है वो करेंगे उसके बाद। Love is growing cold, you're leaving out the door and say I don't know when I'll be home. Like needles in my heart, it's tearing me apart, just trying to find a light in the dark. I know that you're afraid, believe me when I say it's alright, we'll get by. Our colors fade away, I hope it's just a phase, I tell myself that we'll be okay. So hold on to me, baby, hold on. Put your hands into mine, wanna feel you close. So hold on to me, baby, hold on. Got our souls intertwined, I'm not letting go. तो अभी हम डिनर करके आ गए और अनीश बहुत डिसअपॉइंटेड है क्योंकि खाना एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे नॉनवेज नहीं था, आई मीन हमने सोचा था इस होटल में है मगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, नॉनवेज नहीं था, वेज ही था। सो वो प्रॉब्लम नहीं है मगर हमें खाने का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने भी होटल ऐसे अच्छा था, इतना कॉस्टली हाँ होटल अच्छा है अच्छा। मगर वेज खाना है वो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मगर खाने का क्वालिटी एकदम अच्छा नहीं था। तो मैंने भी थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा ही खाया, अनिश ने भी थोड़ा ही खाया, मगर क्वालिटी अच्छा नहीं था। सो ये खाने डिनर के बाद डिनर में एक डिसअपॉइंटेड फील हो गया हमें, मगर होटल बहुत अच्छा है, खाना ज़्यादा कुछ अप टू द मार्क नहीं लगा। बुरा लग रहा है, हम लोग अभी जिम चालू किया ना, डाइट एकदम कस के कर रहे थे, आज ये खाने के लिए ज़्यादा कैलोरी ले लिए ये सोच के। एक्चुअली हमने कुछ दिन से स्टार्ट किया है, सो अभी सोचा था कि ठीक है चलो एनिवर्सरी का दिन है तो एक दो दिन तो चलता है स्पेशल ओकेशन में, मगर खाने खाया भी और मैंने कैलोरी भी इंटेक किया मगर खाने का टेस्ट एकदम अच्छा नहीं था, और नहीं खाऊँ वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर और ज़्यादा बहुत, और कुछ खाना तो पड़ेगा रात को, नहीं तो रात को भूख लग जाएगी, इसीलिए खा तो लिया मगर अच्छा नहीं था। सो अभी आ गए रूम में और अभी हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे निकले हैं और दोनों ही बहुत टायर्ड है, और कल भी रात 2 बजे हो गया था सोने जाने में क्योंकि मैंने सरप्राइज़ प्लान किया वो हुआ, फिर अनिश ने गिफ्ट दिया वो सब देखा, फिर जाके सोए तो टाइम बहुत चला गया था, 7 बजे निकल आए। सो 12 बजे तक तो जगेंगे 12 बजे तक तो जगेंगे ही, फिर उसके बाद सो जाएंगे। सो अभी जो बाकी प्लान है हमारा वो करते हैं और फिर 12 बजे हम सो जाएंगे। तभी मैं चेंज कर लेती हूँ, अनिश ने ऑलरेडी कर लिया है, और बाकी जो प्लान है वो करते हैं और बाद में मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्लान था और क्या क्या हमने किया।